दोस्तों आज हमारी सीरीज का जो कि प्लस फोर मार्क गारंटी सीरीज है उसका पहला वीडियो निकलने जा रहा है जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक का। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोल कंसेप्ट। इसमें से 80% चांस होता है क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो, इसके 4-5 क्वेश्चन लगा लेते हो, तो मेरे ख्याल से आप अपने प्लस 4 मार्क्स गारंटी कर सकते हो इन द बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। तो मेरा नाम दोस्तों अजय सिंह है, जो कि आप मोस्टली बच्चे जानते हो। ठीक है, मैं NIT कुरुक्षेत्र से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरे जो केमिस्ट्री जो JEE 2021 में मार्क्स थे वो 82 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, जो कि मैंने हार्डली 2-3 महीने में निकाले थे। तो अगर तुम लोग यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हम बातें कर सकते हैं। हमको चेस बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है और इधर उधर की मैं चीजें करता रहता हूँ, तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो मार लो। ठीक है, तो वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी आप लोग के लिए लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जो की स्टार्ट हो रही है 5 जून से 2022 वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी 2022 वाले एस्पायरेंट है IIT JEE के, तो उनको टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना चाहिए। कोड कौन सा यूज करोगे? STUD10, जो कि हमारा कोड है। आपको बहुत सारे ऑफर्स इस कोड के थ्रू देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे सारे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, एनरोल कर लो मॉक टेस्ट सीरीज जो कि जून 5 से स्टार्ट हो रही है। इसमें हर संडे को टेस्ट हुआ करेगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के। ठीक है, तो ये आपके कुछ होगा। इसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार एक कंप्लीट लाइव विद JEE प्रिपरेशन अक्रॉस द कंट्री, तो आप जितने भी बच्चे हैं पूरी इंडिया में अक्रॉस द कंट्री आप उनके साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपको अपना जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो देखने को मिल रहा होगा और अच्छे जज कर पाओगे उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इसमें आती है, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड कई गई टेस्ट सीरीज है और बिल्कुल लेटेस्ट JEE पैटर्न पे इसको बनाया गया है। ठीक है, इनहैंस JEE प्रिपरेशन विद डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट। और एक और इसमें जो फीचर आता है वो है एनालिसिस, जो कि हर टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही होगी। प्लस अगर आप एक अच्छा स्कोर लेके आते हैं इसमें, तो 200 बच्चों को 90% तक की स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही होगी। तो जाओ जल्दी से STUD10 कोड का यूज करो और इसमें एनरोल हो जाओ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है यार ये टेस्ट सीरीज लेना, क्योंकि JEE मेंस के लेटेस्ट पैटर्न पे बनाई गई है। और अगर आपको आखिरी के दिनों में अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है, तो इससे बेस्ट चीज इस टाइम नहीं हो सकती। तो एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, व्हाट इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएजेंट विद कंज्यूम्स अर्लियर इन द रिएक्शन ऑफ द रिएजेंट प्रेजेंट इन द लेस स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। कोई भी यार तुम्हारी रिएक्शन है, ठीक है, उसमें दो रिएजेंट होंगे एक्स प्लस वाई ले सकते हैं। तो जो भी अमाउंट, जो भी रिएजेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जा रहा है या फिर तुम कह सकते हो जो सबसे कम अमाउंट में है, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया, जो सबको पता होगा क्या होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, LR मैंने छोटे में उसको लिख रखा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपको काम करना है किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करते समय, इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस कर लेना है, दोनों तरफ से बैलेंस करना सबको आता होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है, हमें अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है दोस्तों। ठीक है, बैलेंस कर लेना है। दूसरा जो हमारा नंबर का काम है, मान लो आपकी इक्वेशन है XCO2 प्लस YH2 प्लस ZCOOH और इसके आपको 6 मोल्स दिए हुए हैं और इसके आपके 7 मोल्स आपको इनिशियली प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब हमें इस रिएक्शन में फाइंड करना भैया लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, क्या CO2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा या फिर भैया क्या हमारा H2O होगा, देख लेते हैं भैया। तो मैंने क्या ट्रिक आपको बताई है, आपको क्या करना है, मोल्स अपॉन SC, SC क्या होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। यहाँ पे क्या है, CO2 का X और SC, अगर H2O की बात करें वहां पे स्टोकियोमेट्रिक रिएजेंट क्या है, कोफिशियंट क्या है, वाई। तो आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों के लिए। पहले CO2 के लिए हमने कैलकुलेट करी जो कि हमारी आएगी 6/X, फिर हमने कैलकुलेट करी H2 के लिए जो कि हमारी आएगी 7/Y। अब हमको क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है। अब जस्ट केस लेके चलते हैं, अगर मान लो 6/X इज लेस देन 7/Y, तो उसका क्या मतलब होगा दोस्तों, जो हमारा CO2 है यानी कि जो हमारा X वाला है, जो जिसका कोफिशियंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट X है, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कहला रहा होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सारे बच्चों को ये ट्रिक याद कर लिया भैया। क्या है, इफ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट इज लेस देन द अदर देन CO2 या फिर जो तुम्हारा कंपाउंड है इज आ लिमिटिंग रिएजेंट। जस्ट एक एग्जांपल है, इससे आप देख सकते हो कैसे हमने किसी लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना सीखा। ठीक है, और जब आपने लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान लिया, आपको थर्ड नंबर का काम करना है, आफ्टर फाइंडिंग LR सॉल्व इन टर्म्स ऑफ LR, यानी कि आप लिमिटिंग रिएजेंट के टर्म्स में ही सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, बाकी की कंसंट्रेशन, बाकी के मोल्स जाए भाड़ में, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन वहीं पर ही रुक जाएगी। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा वैसे ही रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी, बाकी तो इसके लिए एक्सेस अमाउंट में है, लिमिटिंग रिएजेंट ही जो है सबसे पहले खत्म होता है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का। चलो यार दोस्तों को जिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे होंगे। 4a + 2b + 2c गिव्स a4b2c3, फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a4b2c3। यार ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास एक रिएक्शन है, उसके कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, ये मोल्स है। ठीक है, मोल्स दिए हुए हैं आपको, 2 मोल्स दिए हैं, 1.2 मोल्स और 1.4 मोल्स दिए हैं। आपको बताना है भैया रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा, एक अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और आपको अगर वीडियो पॉज करनी है तो वीडियो पॉज करके आप
स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, ठीक है। चलो होपफुली आपने ट्राई करा होगा क्वेश्चन को, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन देख लेते हैं सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने हमने ऊपर क्या सीखा था, सबसे पहले हम किसी भी रिएक्शन में क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर रहे होंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का क्या तरीका बताया था मैंने, क्या था, हर हर रिएजेंट का आप क्या निकालेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि मोल्स अपॉन एससी। तो हमने मोल्स अपॉन एससी ए के लिए निकाला, फिर हमने बी के लिए निकाला, फिर हमने सी के लिए निकाला, फिर हमने तीनों को कंपेयर कर लिया, ठीक है। जब हमने कंपेयर करा तो हमने देखा जो ये मोल्स अपॉन एससी का जो रेशियो आ रहा है वो ए में सबसे कम आ रहा है, ठीक है, 1.2 है खाली, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.4 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए का जो मोल्स अपॉन एससी का रेशियो है सबसे कम आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, सारे बच्चे बताएंगे ए, ए हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि पूरा का पूरा ए कंज्यूम हो जाएगा, बी और सी कुछ कुछ रह जाएंगे रिएक्शन के बाद में। तो ये हमारा तरीका हो गया लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का। भैया अब आपने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट कैसे निकालें चलो देख लेते हैं, ठीक है, चलो देख लेते हैं। मान लो इनिशियली इनिशियली जब हमने रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं करी थी, टी इक्वल टू जीरो पे थे हम, तब हमारे पास इनिशियली मोल्स कितने थे, ए के, हमारे पास 2 मोल्स ए के थे, 1.2 मोल्स बी के थे और 1.44 मोल्स हमारे सी के थे। हमने क्या बोला, हमारा लिमिटिंग एजेंट ए है, यानी कि सारी की सारी रिएक्शन चल रही होंगी ए के बेसिस पे, ठीक है। और जो आपके बी और सी है वो तो ऑलमोस्ट एक्सेस है, वो तो ए के लिए एक्सेस है क्योंकि कंज्यूम वो होंगे ही नहीं, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं हो पाएंगे, सबसे पहले ए कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो ए के हिसाब से अगर हम अपने प्रोडक्ट को देख रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा है, इनिशियली जो आपको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या दिख रहा होगा, दिखाता हूं मैं आपको, देखो आपको 4 मोल्स ए है, आपको रिएक्शन क्या कह रही है, आपके 4 मोल्स ऑफ ए जब रिएक्ट करते हैं 2B और 2C से, तो आपका 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट बनता है, कितना बनता है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनता है, सॉरी 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनता है आपका, ठीक है। अभी आपके पास कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, 2 मोल्स है, तो आप सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा नहीं सकते हो यहाँ पे, तो देख लेते हैं, 4 मोल्स ऑफ ए से हमारा 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ए से कितना बनेगा, 1/4, और हमारे पास हैं कितने, 2 मोल ऑफ ए हैं, तो हमारे 2 मोल ऑफ ए से कितने बन रहे होंगे, 1/4 × 2, और यही आपका सिंपल सा एक आंसर होगा। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करा, हमने सबसे पहले एल आर फाइंड करा रिएक्शन में कौन था, ठीक है, अब एल आर के हिसाब से हमने पूरी रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 1/2 मोल ऑफ रिएक्टेंट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आ जाते हैं अपने जो हमने क्वेश्चन ऊपर छोड़ा था, ठीक है, वो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को भी सारे बच्चे ट्राई कर रहे होंगे, जिस इसका आंसर फर्स्ट वाले का सही आया वो जाके वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दे भैया मेरे को समझ आया नहीं समझ आया, तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता रहूंगा, वहां पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हो उसको, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक रिएक्शन दी हुई है, Na2CO3+2HCl gives 2NaCl+CO2। Na2CO3 कितने मोल्स है आपके, 3 मोल्स दिए हुए हैं आपको, HCl के कितने मोल्स दिए भैया मेरे को, 6 मोल्स दिए हुए हैं, और मुझे क्या फाइंड करना है, CO2 जो बना रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, और मुझे क्या गिवन है भैया, STP कंडीशन है, तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल STP कंडीशन पे आपको सब कुछ सॉल्व करना है। तो भाइयों बताओ, बहनों भाइयों जो भी हो आप लोग, ट्राई करो क्वेश्चन को, 5 सेकंड दूंगा मैं आपको, उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन की तरफ ले रहा हूँ, भले पॉज करके आप देखो, ठीक है, हो गया सॉल्व, चलो पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताओ, उससे पहले जिससे मैं आपको आंसर तभी दिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है। चलो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन, इनटू द सॉल्यूशन, ओके, लेट्स फाइंड आवर एलआर। सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एलआर फाइंड करते हैं, भैया एलआर क्या है इस रिएक्शन में जो मेरे को दी हुई है, क्या Na2CO3 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या हमारा HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, सबसे पहले कंज्यूम कौन हो रहा होगा देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, क्या निकालना है आपको, मोल्स अपॉन एससी, मोल्स अपॉन एससी, तो हमने सबसे पहले इसका मोल्स अपॉन एससी निकाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही मोल है, तो मोल्स अपॉन एससी की वैल्यू आ गई हमारी 3/1, यानी कि 3, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें HCl की, तो HCl की कितनी आएगी आपकी, 6/y, y हमारा कितना है 2, यानी कि 3 आ जाएगी वो भी। तो आपको दिख रहा है दोनों बराबर आ गए, दोनों के मोल्स अपॉन एससी बराबर आ गए, इसका क्या मतलब है कि हमारे रिएक्शन में दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों के दोनों इक्वली कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि जब रिएक्शन खत्म हो रही होगी तो Na2CO3 भी पूरा यूज हो गया होगा और HCl भी पूरा यूज हो गया होगा, तो आप प्रोडक्ट भी आपको पूरा का पूरा देखने को मिल रहा होगा, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में नहीं है। तो आप जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो दोनों के बेसिस पे, किसी के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं Na2CO3 के बेसिस पे, ठीक है, HCl के बेसिस पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टी इक्वल टू जीरो पे हमारे पास Na2CO3 के 3 मोल थे, HCl के हमारे पास 6 मोल थे, और प्रोडक्ट हमारे पास 0-0 थे। अब जब हम किसी भी टी टाइम पे पहुंच जाते हैं, हमको पता है कि Na2CO3 भी पूरा कंज्यूम हो रहा होगा, HCl भी पूरा कंज्यूम हो रहा होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है, दोनों के दोनों बराबर इक्वल रेशियो में कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीटली यूज हो जाएंगे। तो एंड में 0 बचे, ये भी 0 बचे, तो 3 मोल से यहां से देख लेते हैं,
हाँ एस सी एल के 2 मोल से 2 मोल एनएससीएल बन रहे हैं, यानी कि तो 6 मोल से भी तो 6 ही बन रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ऐसे ही 2 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है तो 6 मोल से 3 मोल बन रहे होंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल यूनिटी मेथड है। तो हमने देख लिया, क्या देखा, 3 मोल ऑफ CO2 हमको रिएक्शन के एंड में मिल रहे हैं, और हमारी क्या कंडीशन है, एसटीपी कंडीशन हमको दी हुई है। तो कौन मुझे बच्चा बताएगा, अगर 3 मोल हमारे पास CO2 है एसटीपी पे तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है, कौन बताएगा? सबको पता ही होगा 1 मोल की कितनी होती है, 1 मोल की कितनी होती है 22.4 लीटर। नहीं पता है तो भैया गांठ बांध लो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मोल ऑफ किसी भी गैस की, 1 मोल ऑफ किसी भी गैस की एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम होती है, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 22.4। तो 3 मोल की कितनी होगी, सिंपल आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपको होपफुली बहुत कुछ समझ आया होगा, किसके बारे में, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, कैसे निकालते हैं। भैया बेसिक क्वेश्चन भी आपने कर लिया, एप्लीकेशन भी देख लिया, और ये प्रीवियस जीमेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आप ये बस सोचो भैया आसान क्वेश्चन करा रहे हो, नहीं, ठीक है। चलो अभी हो गया हमारे हलवा क्वेश्चन, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसका नाम है, अभी आता होगा बाप क्वेश्चन। तो यार इस बाप क्वेश्चन में, आपके दुनिया भर के जितने भी कंसेप्ट है, सारे पॉलिश हो रहे होंगे, और बिलीव मी अगर आप इस क्वेश्चन को रटी भी लेते हो ना पूरा ऊपर से नीचे तक जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन बनने की श्योरिटी जो होती है वो 90% से ज्यादा हो जाएगी अगर आप इस बाप क्वेश्चन को कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ही डिसेंट लेवल का क्वेश्चन है, मजे आने वाले, तो भैया ध्यान से सुन लो, पहले सुन लेना, ट्राई एक बार कर लो, आपको ट्राई करना है तो, लेकिन इस क्वेश्चन को सुन लेना। ये है हमारा बाप क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, बेसिक से चलने हमको, धीरे 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 हम कंटिन्यू करेंगे और सारा का सारा समझेंगे इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हमारी रिएक्शन दी हुई है NH2NH3 गिव्स N2+H2 जिसका वाई परसेंट 50% दिया हुआ है। भैया क्या रहोगे, वाई परसेंट क्या होता है, तो मैं वो भी आपको नीचे बताऊंगा। तो एक और हमारी रिएक्शन है 2H2+O2, उसको ऐसे करके दिया हुआ है, उसका वाई परसेंट हमको 80% दिया है। तो हमें क्या बोला है, इनिशियली जो हमारे पास क्या थे, 5 मोल्स ऑफ एनएसटी हमको प्रोवाइड करे गए थे, ठीक है, इनिशियली हमको 5 मोल्स ऑफ एनएसटी प्रोवाइड करे गए थे जिसको हमने मिक्स करा था 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ, तो हमको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्टेंड बताना है, यानी कि जो ये वाटर एंड में फॉर्म हो रहा है वो कितना बनेगा। आपको इनिशियली 5 मोल ऑफ कितना, 5 मोल ऑफ एनएसटी दिए हुए थे इनिशियली, और आपको 3 मोल ऑफ O2 दिया हुआ था इनिशियली, आपको बताना है कितना वाटर फॉर्म हो रहा होगा। बहुत ही डिसेंट लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करो सारे बच्चे, आपको मैं दूंगा तो वैसे 2-4-5 मिनट, लेकिन अभी कम टाइम है तो पॉज करके कर लो आप। तो होपफुली यार आप लोगों ने ट्राई करा होगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखो आप भैया, बच्चे आते तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया परसेंटेज वाई क्या होता है, आपने क्या बोला दे दी। तो सबसे पहले परसेंटेज वाई के बारे में बात कर लेते हैं, परसेंटेज यील्ड का मतलब जान लेते हैं, आधे बच्चे कंफ्यूज बैठे होंगे। तो परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन का, उससे आपको समझ आ जाएगा क्या बल होती है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया है कि 1 मोल ऑफ N2+3 मोल ऑफ H2 गिव 2NH3, ये आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है। उसमें आपको इनिशियली 6 मोल्स ऑफ N2 दिए हुए हैं, ठीक है, 6 मोल्स ऑफ N2 आपको इनिशियली दिया, और आपको पता है H2 एक्सिस में हमने आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता रखी, परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन इज 50%, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है, 50% है। तो मान लो मैंने क्या लिखा नीचे, इफ परसेंटेज यील्ड इज 100%, ठीक है, तो क्या मतलब होगा इसका, ये जो रिएक्शन है आइडियल रिएक्शन, यानी कि सारा का सारा प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका सारा का सारा रिएक्टेंट रिएजेंट कितना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में। तो ये आइडियल रिएक्शन होगी अगर वाई परसेंट इसका 100% है, ठीक है। तो अगर ये आइडियल रिएक्शन है तो आपके कितने मोल्स बन रहे होंगे NH3 के, यहाँ पे अगर आपके 6 मोल्स N2 दिए हुए हैं, तो 1 मोल से अगर 2 बनते हैं तो 6 से सिंपल सी बात है 12 मोल्स बन रहे होंगे अगर इसकी परसेंटेज यील्ड 100% है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इस रिएक्शन की परसेंटेज 100% नहीं है, इसकी 50% है, 50% है, तो यानी कि 50% ऑफ 12 मोल्स बन रहे होंगे, यानी कि आधे हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स रियल लाइफ में। थ्योरेटिकली पूरे के पूरे बनेंगे, लेकिन रियल लाइफ में हमारे आधे मोल्स हो जाएंगे, यानी कि 12 के आधे कितने हो गए, 50% कितना हो गया, 6 मोल्स, यानी कि 6 मोल्स आपके मोल्स बन रहे होंगे किसके, NH3 के। तो सिंपल सी बात है, यही परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है। चलो अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, अगर आपको इतना समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई करा होगा, मैं कंफर्म करके चल रहा हूँ 99% बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स इस क्वेश्चन में देख रहे हो, छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे खिला के ले जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 2NH3 गिव्स N2+3H2, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन थी 2NH3 गिव्स N2+3H2, भैया अब इसमें हमको इनिशियली 5 मोल्स दिए गए हैं, 5 मोल्स दिए गए इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे, और N2 और H2 के इनिशियली 0 मोल्स थे। तो हमको साफ साफ दिखना चाहिए, अगर 2 मोल से हमारा 1 मोल N2 बन रहा है और 3 मोल H2 बन रहा है, 2 मोल से हमारा 1 मोल N2 बन रहा है और 3 मोल H2 बन रहा है, तो हमारे 5 मोल से कितने बन रहे होंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है यहाँ पे 5/2, और यहाँ पे हमारे 3/2 सिंपल सी बन रहे होंगे। इसका तो कोई दोराय किसी को होना नहीं चाहिए, सिंपल रिएक्शन थी, स्टोकियोमेट्री आप लगा सकते हो, सिंपल सी यूनिटी मेथड आप
लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है, ये तो हमारी आइडियल कंडीशन में बन रहे होते, 100% परसेंटेज यील्ड पर बन रहे होते, लेकिन हमें दिया गया 50% परसेंटेज यील्ड है। यानी कि इसका क्या मतलब है, जो हमारे N2 के 5/2 मोल्स बने हैं वो 50% यानी कि आधे हो जाएंगे, तो आधे कर दो उसको, 5/4 हो गया उसका आधा करना। ऐसे ही जो हमारे H2 के मोल्स है वो भी आधे हो जाएंगे, तो कितने थे वो हमारे इनिशियली थे 15/2, अब हो जाएंगे वो 15/4। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसा हमारा ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये हमारा क्वेश्चन इतना आपको समझ आ गया कि ये 50% परसेंटेज यील्ड के साथ कितने कितने बन रहे होंगे, ठीक है। भैया कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला, देखो ये तो यूनिटरी मेथड लगाया मैंने यहाँ, सिंपल सा, ये तो आपको पता ही यूनिटरी मेथड है, ठीक है, ये तो हमारा सिंपल सा यूनिटरी मेथड है तो पता ही होगा। और हमको हमने उसको क्या कर दिया, परसेंटेज यील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज यील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे रिस्पेक्टिव मोल्स निकल के आ गए परसेंटेज यील्ड 50% के साथ। अब हमें क्या क्वेश्चन, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपने देखा जो H2 के मोल्स बने थे कितने थे, कितने थे 15/4। अब जो आपकी सेकंड रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन दी गई थी सेकंड रिएक्शन कौन सी थी, H2+O2 गिव 2H2O, ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे जो H2 फॉर्म हो रहा होगा वही H2 यहाँ यूज होगा, कोई अलग से H2 बाहर नहीं आएगा, यही H2 जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वही सेकंड रिएक्शन में H2 बनेगा, ठीक है, वही सॉरी यूज होगा, तो उसी H2 को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी सेकंड रिएक्शन में। तो कितने मोल्स बन के आए, 15/4 मोल्स बन के आए H2 के, तो वही मोल्स हमने उठा के यहाँ पे रिएक्शन पे यूज कर लिए। तो यानी कि अब इस वाली रिएक्शन की बात करेंगे इनिशियली, ठीक है, इनिशियली कितना था H2 सॉरी हाँ इनिशियली हमारे जो मोल्स ऑफ H2 थे 15/4 थे। O2 के कितने मोल्स थे भैया, O2 के हमारे जो इनिशियली मोल्स थे वो 3 थे, जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखो सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ने का गेम है। इनिशियली हमको 3 मोल्स ऑफ O2 दिए हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट H2 के कितने बन के आए 15/4, ठीक है, 15/4 बन के आए 2, और वो सारे रिएक्ट हो गए H2 में कन्वर्ट होंगे। अब जो मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले क्या देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट देख लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैं भूल गया, हाँ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हमने सबसे पहले H2 को देखा, H2 के हमने मोल्स अपॉन SC करा तो हमारा ये रेशियो निकल के आया, उसके बाद हमने मोल्स अपॉन SC करा हमने O2 का तो हमारा ये रेशियो निकल के आया। आपको साफ साफ दिख रहा है कि H2 वाला रेशियो कम आ रहा है, यानी कि हमारा H2 हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिएजेंट। तो कितने कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं क्वेश्चन में, परसेंटेज यील्ड, साइमल्टेनियस इक्वेशन और फिर से लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको ये क्वेश्चन 100% ट्राई करना है फिर से एक बार, ठीक है। तो आपको दिख गया इस वाली रिएक्शन में, दूसरी वाली रिएक्शन में सेकंड इक्वेशन है, इसमें आपका लिमिटिंग रिएजेंट H2 यानी कि H2 सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा पूरी रिएक्शन में, और उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन हो रही होंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं, अकॉर्डिंग टू O2, ठीक है, और यहाँ पे H2 आएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, तो उसके हिसाब से हम प्रोसीड कर रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा बात हो गई। चलो H2 के हिसाब से अगर हम प्रोसीड करेंगे तो इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे H2 के मोल्स 15/4 थे, O2 के 3 मोल्स थे और H2 के 0 मोल्स थे। किसी भी टी टाइम के बाद अगर हम देखें तो H2 के 0 मोल्स हो गए, हमको पता है लिमिटिंग रिएजेंट है तो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा यही, तो अगर H2 के 0 मोल्स हो गए तो N2 O2 के कितने हो जाएंगे, जो इनिशियली 3 माइनस 15/4/2। भैया ये कैसे करा आपने, सिंपल से यूनिटरी मेथड है बच्चों, 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करते हैं 1 मोल्स ऑफ O2 के साथ, सॉरी 1 मोल आएगा, 0 क्यों कर दिया यहां पे, हां ठीक है, दो मोल अरे रे 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 इसको हटाओ, हाँ चलो 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ O2 के साथ, तो मुझे कोई बताएगा 1 मोल ऑफ H2 के साथ कितने करेंगे, 1/2 करेंगे, और 15/4 के साथ कितने करेंगे, 15/4 × 1/2, सिंपल सा यूनिटरी मेथड मैंने यहाँ पे लगा दिया, 15/4 × 1/2, और इनिशियली 3 मोल थे तो यानी कि इतने मोल बचेंगे आपके रिएक्शन टी टाइम के बाद, ये आपके 0 बच गए। भैया प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो 2 मोल ऑफ H2 से 2 मोल ऑफ H2 बन रहे हैं, तो 15/4 ऑफ H2 से कितने बन रहे, 50/4 बन रहे होंगे H2O के मोल्स। सिंपल सी कैलकुलेशन सिंपल सी स्टोइकोमेट्री यहाँ पे लग रही है, लेकिन यहाँ पे खेल निकल के आता है भैया, तो आइडियल कंडीशन में बन रहे होंगे जब परसेंटेज यील्ड 100% होगा, लेकिन इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है 80%, तो यानी कि 15/4 को हम 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो निकल के आएंगे आपके 3 मोल्स आपके निकल के आ रहे होंगे, यही आपका आंसर है, कि जो फाइनली वाटर बनेगा आपका कितना बनेगा 3 मोल्स। तो दोस्तों इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या बवाल सीख लिया, लिमिटिंग रिएजेंट सीख लिया हमने, ठीक है, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सीख ली, साइमल्टेनियस इक्वेशन एक के नीचे एक इक्वेशन जो होती है, ठीक है, और हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, परसेंटेज यील्ड सीख ली, ठीक है, क्या सीख ली, परसेंटेज यील्ड सीख ली। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक मिल जाएगी, तो आप एक बार घर पे भी इसको जाके ट्राई करना कि भैया आपने एक एक स्टेप में क्या क्या करा, नॉन एनोटेटेड PDF मिलेगी आपको, तो ये सब आप पे लिखा नहीं होगा। तो आपको पसंद आती है अगर वीडियो, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे खत्म होता है, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, तो +4 आप गारंटी लेके चले अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री की जो हमारा पहला लेक्चर था लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको यार हेल्प लग रही होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज लाइक कर दो,
क्योंकि ये फ्री कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करें। अगले 14-15 दिन के अंदर आप +4 +4 कर करके आपके 50-60 नंबर हम कंफर्म करेंगे, बोथ इन केमिस्ट्री एंड बोथ इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो यार इसी नोट पे खत्म करते हैं। दिस इज अवताप सिंह साइनिंग ऑफ।